हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। और मेरे साथ कौन बैठा है आज? हेलो। हाँ, अद्वी बैठी है क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब तो सारी वीडियोस में अद्वी का आना बनता ही है। और भैया, गर्मी से हो रही है बहुत बुरी हालत, हर जगह ही हो रही है। घर फ़ोन करो तो वहाँ पे गर्मी से बुरी हालत, और यहाँ पे भी बड़ी बुरी हालत है। और यहाँ के घर इस तरह के हैं कि वो विंटर के हिसाब से बने हुए हैं, समर के हिसाब से नहीं हैं। और आई थिंक पहले इतनी समर शायद यहाँ होती भी नहीं थी। मैं पिछले 4-5 साल से देख रही हूँ कि हाँ, कुछ एक वीक्स ऐसे आते हैं कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। और लाइक सीलिंग फैन नहीं है यहाँ पे, एसी नहीं होते हैं, तो विंटर के हिसाब से लाइक सेंट्रल हीटिंग तो है लेकिन सेंट्रलाइज्ड एसी या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर में एक छुटका सा फ़ैन है, हम जहाँ जाते हैं उसे अपने साथ साथ ले लेके घूमते रहते हैं। अभी साहब क्योंकि अपना काम कर रहे हैं तो वो पंखा फिर हमने ऊपर एटिक में रख दिया है, बट ऐसे नहीं करते, तो हमने वो एटिक में रख दिया तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। विंडो खोली हुई है तो बाहर का शोर शराबा आ सकता है। तो जो भी है, गर्मी से बुरी हालत है, पूरा वीक ही ऐसे ही रहने वाला है। अबव 30 टेम्परेचर है और बिना पंखे वंखे के सर्वाइव करना। ये वाला रूम तो शाम के टाइम बिल्कुल ओवन हो जाता है, तंदूर भट्टी बिल्कुल बॉयलिंग, तो सोने में भी बड़ी दिक्कत होती है। खैर, 12 बजे के बाद टेम्परेचर ठीक सा हो जाता है, पर यह कि पंखे की वजह से नींद आ जाती है। तो ये था वेदर अपडेट। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आपके यहाँ एसी पंखा कुछ ऐसा है क्या? तो नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आजकल जो नए घर बन रहे हैं शायद उनमें सीलिंग फैंस ये लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो पुराने बने हुए घर हैं जैसे कि ये वाला है, तो इसमें कोई फ़ैन नहीं है, टेबल फ़ैन का ही सहारा है। ओके, आज मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ जो मैं अपने मटर्निटी नाइट वेयर लेकर आई थी, बहुत दिनों से वो रखे हुए थे, तो वो मैं आपको शो कर दूँगी। थोड़े से अदवी के भी हैं, एक साहब का है। साहब ज़्यादा ऐसी जगह से खरीदते नहीं हैं, उनको सिर्फ स्पोर्ट्स डायरेक्ट पसंद आता है तो वो वहीं से लेकर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने जितनी भी शॉपिंग ये करी है ये पेपन को से करी है, और वहाँ पे अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ये नाइटी लेकर आई हूँ, बिल्कुल वही हल्का सा टी शर्ट वाला कपड़ा है, नी लेंथ की है ये। तो अब जैसे समर्स हो रही है ना, और ढीले ढीले पहनने का मन करता है, और साइज़ में इसका लेकर आई हूँ 16-18। अगर दिखे तो कोई बाइक जा रही थी क्या? बाइक कहाँ से आई यहाँ पे? 16-18 में लेकर आई हूँ। प्रेगनेंसी से पहले मेरा जो साइज़ था वो मैं साइज़ 14 पहनती हूँ। कुछ एक ब्रांड्स का ऐसा था, होता है ना कि थोड़े छोटे होते हैं तो 16, लेकिन अब तो 16-18 ही, और वैसे भी रात के ढीले चाहिए होते हैं। और इसकी प्राइस है 5 pounds, 5 pound की ये नाइटी है, और 1 pound जो है वो 100 रुपये का होता है, तो प्लीज़ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर मुझसे पूछता है कि इंडियन रुपीज़ में कितना है, ठीक है? तो ये 5 pound का है। तो ये नाइटी है, बहुत ही प्रिटी सी, हल्की फुल्की सी, ब्लैक कलर में। ओके, इसके बाद अभी ये वाली दिखा दूँ। अच्छा, अभी बैठी है मुझे कपड़े देने के लिए यहाँ। एक मैं ये वाली नाइटी लेकर आई हूँ, कितनी क्यूटी सी है ना ये। It's Disney. Yes. तो ये भी exactly same उसी तरह की है, वही knee length की है ये, but baby pink color, बहुत ही pretty सा है। और इसकी जो price है वो 6 pound है। Sizes का भी मैं वही लेकर आई हूँ, 16-18 ही है। और पता है, सारे के सारे product of India, no, this is made in Turkey, this one is made in Turkey, but जो ये black वाला है ना, that is made in India, अगर आपको दिखे तो। India? यस बेटा, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम दोनों का फेस है ना, तो वो फोकस नहीं करेगा, वो तेरे फेस के ऊपर फोकस। हाँ, अब हुआ। सो दैट इज मेड इन इंडिया। सो दो तो ये नाइटी लेकर आई हूँ मैं, एक लेकर आई हूँ ये नाइट सूट लाइक पजामा पूरा, और इस तरह से है ये, स्लीप वेल, और सेम साइज है, ये क्रीम कलर का है, और इसके नीचे ये पोका डोट वाला पजामा है, फुल लेंथ का, फुल लेंथ का पजामा ही लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल ढीला ढाला सा, वही कॉटन वाला। ब्लेस यू बेटा, खांसी हो रही है। और इसका प्राइस है 7 pound, ये 7 pound का है। तो ये आगे आने वाले व्लॉग्स में पहने हुए दिखूंगी मैं आपको। एक और मैं अपना लेकर आई हूँ, ये बेबी पिंक कलर का ये टी शर्ट है, और इसका प्राइस है 5 pound, और ये शॉर्ट्स के साथ है, ये इसका पूरा वैसा नहीं है। Made in India. Yeah, it is made in India as well. तो ये फुल लेंथ का नहीं है, ये शॉर्ट्स के साथ लेकर आई हूँ।
आजकल जैसे मौसम हो रहा है ना, बॉडी गर्मी होती है भैया। और इनकी जो इलास्टिक है ना वो टाइट नहीं है, वो बहुत हल्की सी वाली ना, जो जो चुभती नहीं है। तो मेरे नाइट वेयर्स जो हैं वो बहुत दिनों से ख़त्म हो रहे थे, तो मुझे ये चाहिए था, इट वॉज मस्ट। तो ये मेरे चार हैं, दो नाइटी हैं और दो नाइट सूट हैं। अब दिखाओ भाई अद्वी के शॉर्ट्स। तो एक शॉर्ट्स तो ये है अद्वी की, टू शॉर्ट्स। यस, ये वाली बहुत प्यारी सी यूनिकॉर्न बना हुआ है। और साइज जो है वो मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ, एक तो थोड़ा सा लूज भी रहे और फिर बिटिया रानी हमारी थोड़ी सी एवरेज। तो एक ये है, दूसरा ये वाला है, बड़ा प्यारा समरी सा कलर है ये। ओके, दूसरा वो दिखाओ। और अद्वी के जो है शॉर्ट्स हैं ये £2.50 हाँ, दोनों जो हैं वो £2.50 के हैं। इस तरह से बहुत अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। बट ये है कि ऐसे नहीं कि आप दो तीन साल पहन लो, वो एक ही सीजन के, वैसे भी बच्चों के तो छोटे हो ही जाते हैं पर ठीक रहते हैं। एक ये बहुत सुंदर सा बीच प्रिंट वाला, इसका ये जंप सूट टाइप शॉर्ट्स के साथ है, इस तरह से वेरी ब्यूटीफुल। कितने का है ये? £5 का है, ये £5 का, ब्यूटीफुल। ये वाला जो ये पहन के बैठी हुई है ना, ये वाला भी, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी ना, मैं पाउंडलैंड से, पेपनको से या टेस्को से, आई थिंक ये टेस्को, इट वाज सेट ऑफ टू, यू नो, पिंक एंड दिस वन। ऑलराइट, हां, यू सी द पैक? यस, इट इज फ्रॉम टेस्को FNF, ये FNF का, ये दो का सेट में टेस्को से लेकर आई थी, ये वाला पेपनको से, बट अच्छा रहता है। ओके, तो ये तीन थे अद्वी के, और साहब की एक ये टी शर्ट लेकर आए, ये बल्कि उनका सेल में था, हमारा तो नॉर्मल प्राइस वाला था, उनकी ये सेल में थी, £3 वाली £1.5 में, और इतना ही वॉज लाइक चल ले ले, इतनी सस्ती है तो, नहीं तो ये जल्दी से राजी नहीं होते खरीदने से। तो बहुत प्यारा सा ना लाइट ब्लू कलर की ये टी शर्ट है, सुंदर लगी मुझे, तो फिर ये एक ले ली मीडियम साइज में। तो ये थी सारी की सारी शॉपिंग जो हमने करी थी, मेरे अद्वी के साहब का, बस साहब का तो एक ही है, तो बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं ये दिखा दूँ आपको, और बस अब आगे जो जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट भी शेयर करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। सो पहले चलिए थोड़ी सी हंसी मजाक, उसके बाद सीरियस टॉपिक के ऊपर आएंगे, विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग। यस, चलो शुरू करते हैं शॉपिंग के बाद, जो नॉर्मल व्लॉग होता है, नॉर्मल रूटीन होता है, वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लंच रेडी है, और ये है साहब की प्लेट, इसमें है साबुत मसूर और चावल, साथ में रायता इनका, और यहाँ पर है रोटी आटे वाली व्हीट फ्लावर की। और ये है मेरा लंच, सबसे पहले तो ये देख लो, ढेर सारी ये सैलड है मेरी जो मुझे खानी है, थोड़ा सा मैंने हमस रख लिया है साथ में बिल्कुल हल्का सा लगाने के लिए, और पनीर है ये लेफ्ट ओवर, और साथ में दो ये बाजरे की रोटी है जो मैंने एवोकेडो डाल के बनाई हुई है। तो ये मेरा मील होगा, और रोटी जो है ना बिल्कुल छोटे साइज वाली है ये। तो ये मेरा लंच है, और ये साहब का है, और अद्वी भी अपने दाल राइस खा रही है, वो एक्चुअली टीवी देख रही है, तो हमने अब छुट्टी में थोड़ा सा उसको छूट दे दी है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। वेलकम बैक वंस अगेन, और लंच हो गया है, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, बस बैठी थी थोड़ा सा काम कर रही थी, देन आई थॉट कि चलो अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना मैं शाम को करने वाली थी। एक्चुअली हम लोगों का थोड़ा सा बाहर जाने का भी है, तो मैं कब बाहर चले जाएंगे, थोड़ा बहुत साइट सीइंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी और उसके बाद बात कर लूँगी, देन आई थॉट कि चलो अभी कर लेती हूँ। ओके, तो मेरा लंच देख के आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि क्या हुआ है। तो येस, आई हैव डायग्नोस्ड विद जेस्टेशनल डायबिटीज़, मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, और थायराइड बिल्कुल ठीक आया है मेरा, लाइक डोज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही स्टेबल है। थायराइड का भी जो मेरा टेस्ट हुआ था, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, रिपोर्ट्स नहीं बताई थी उसकी, तो वो सही आया है मेरा। तो जितनी मैं डोज़ फ़िलहाल ले रही हूँ मुझे वही लेनी है, और जैसे कैल्शियम, आयरन लेवल, ये सब कुछ होता है तो सब विद इन अ रेंज है। और जैसे स्कैन हुआ था, तो स्कैन में होता है ना ग्रोथ चार्ट एक होता है, तो वो भी बिल्कुल चार्ट पे बिल्कुल सही चल रहा है, टचपुट चीज़ें बाकी सब सही चल रही हैं, बस ये डायबिटीज़ जो है ये
पॉजिटिव आ गई है। और जिस दिन मेरा टेस्ट था मैंने वो वाली जब वीडियो शेयर करी थी, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि दीपिका हमको भी हो गया था और सच में स्वीट टूथ या वेट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, हो ही जाए, क्योंकि मैंने मेंशन किया था ना कि मेरी एक फ्रेंड है उसको हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की स्टोरीज थी कि हम भी ऐसे नहीं थे और लेकिन हमको भी डायग्नोज हो गया, तो मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो तो रही थी। तो बट ये था कि अदवी के टाइम पे तो मेरा आया नहीं था, क्या पता ना आए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है और आज मेरा थर्ड डे है मेरी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हुए। और अभी ये है कि कपल ऑफ वीक्स वो लोग देखेंगे कि सिर्फ डाइट से अगर मेंटेन रहता है देन फाइन, अदरवाइज फिर मेडिकेशन इंसुलिन वगैरह जो है वो दिया जाएगा। मेजर कंसर्न यही होता है क्योंकि बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लेसेंटा, तो कई बार एक तो बेबी का साइज़ बढ़ जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे। कोई चीज़ अगर अब नॉर्मल आती है तो ऑब्वियसली उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कंसर्न्स होते ही हैं, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ओपन माइंड ओपन हार्ट के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करके एक स्ट्रिक्ट डाइट जो मुझे बताई गई है, जो चीज़ें मैं खा सकती हूँ वो सब कुछ मैं करके और इस चीज़ को फॉलो करूं। अपनी तरफ से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं डाइट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट फॉलो करूं कि मुझे दवाई ना लेनी पड़े, बट लेट्स सी, अगर ज़रूरी हो ऑब्वियसली फिर लेनी ही पड़ेगी। अगर इतना कम खाने के बाद भी अगर काम नहीं चलेगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो मेजर कंसर्न तो वही है कि बेबी का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और सिज़ेरियन लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप गूगल पे देख लेना फिर मैंने बात मैं लाइक आई डोंट वांट टू रिपीट दोज थिंग्स, आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइस, आई डोंट वांट टू स्केयर माई सेल्फ, सो आई वाज लाइक जस्ट गोइंग इन द फ्लो, आई एम जस्ट डूइंग माय बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो डाइट का ये है कि शुगर तो बिल्कुल लेनी ही लेनी नहीं है, किसी फॉर्म में नहीं लेनी है। वो भले ही आपका जैगरी हो या जैसे डेट्स होती है या फिर किशमिश होती है, तो कुछ भी इस तरह का नहीं लेना है। नॉर्मल शुगर नहीं लेनी है, कोई भी रिफाइंड फ्लावर मैदा वगैरह नहीं लेना है। दैट्स फाइन, महीने दो महीने में हम लोग कभी नान खा लेते हैं, मन कर जाता है, या पिज्ज़ा की हाँ मुझे क्रेविंग होती है, बट अब मैं पिज्ज़ा नहीं खा सकती हूँ क्योंकि वो मैदे का होता है। बट ये कि होल व्हीट का मैं बना के खा सकती हूँ, बट मैंने होल व्हीट भी कम कर दिया अपनी डाइट में। तो फर्स्ट क्या क्या नहीं खाना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरा कार्ब्स जो हैं वो भी मिनिमाइज कर देने हैं, और कार्ब्स के साथ साथ जैसे कि दालें होती हैं, छोले राजमा, ये भी बहुत लिमिटेड, लाइक कुक्ड जो चीज़ें हैं वो हद से हद 2 से 3 चम्मच, क्योंकि बीइंग वेजिटेरियन दे आर सोर्स ऑफ प्रोटीन बट दे हैव लाइक कार्ब एज वेल। तो सिर्फ वही एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है कि मेरी जो दाल और छोले जो होते हैं, यू नो मेरी प्लेट में क्या होता है, सैलेड होता है, मेरी 2 रोटी होती हैं हमेशा से, और बिग बोल ऑफ दाल या सब्जी होता है। तो रोटी से खाने के बाद में हमेशा दही के साथ वो दाल या सब्जी वो खाना मुझे पसंद है, बट अभी जो है वो दाल में इतनी नहीं खा सकती हूँ। इसके अलावा जैसे शुगर नहीं लेनी है, दैट्स ओके, क्रेविंग होती है बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। मीठा मुझे पसंद है, पहले से ही पसंद है, आप लोग दें, बट ऐसा नहीं कि मुझे बल्क में चाहिए, लाइक गाजर का हलवा खाने का मन करे तो 2 चम्मच मिल जाए, आई एम कम्प्लीटली फाइन, दैट्स ओके। ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा सा कटोरा भर के ही चाहिए। तो बस ये है कि अब बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है। जैसे चाय मुझे पसंद है तो चाय में मैं स्वीटनर ले सकती हूँ, जो आर्टिफिशियल स्टीविया जो होता है वो मैं ले सकती हूँ, तो चाय की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अलावा जैसे राइस है, पास्ता, ये सारी चीज़ें बंद हैं, तो आई एम कम्प्लीटली फाइन। मुझे वैसे भी ना मुझे पास्ता पसंद है ना मुझे राइस पसंद है, रोटी मुझे पसंद है। रोटी का ये कि अगर मैं होल व्हीट वाली नॉर्मल जैसे जो हमारा रोटी का आटा होता है, अगर मैं उसकी बनी हुई रोटी खा रही हूँ प्लेन, तो सिर्फ एक ही अलाउड है। लेकिन अगर मैं मल्टीग्रेन खा रही हूँ या फिर मैं एक कोई भी ग्लूटेन फ्री आटा जो है उसकी खा रही हूँ, तो फिर मैं 2 खा सकती हूँ। तो आई प्रेफर ग्लूटेन फ्री, क्योंकि 2 रोटी यार चाहिए होती हैं, 1 रोटी से काम नहीं चलता। तो मैं बाजरा, रागी, इनकी रोटी बना लेती हूँ, उसमें एवोकाडो डाल लेती हूँ, बिकॉज एवोकाडो इज़ रियली गुड सोर्स, इसमें कार्ब कम से कम है, फाइबर ज़्यादा है। या फिर मैं जो है बथुआ डाल लेती हूँ, मेथी डाल लेती हूँ, इस तरह की चीज़
से जो है वो डाल के मैं आटा बना के उसकी दो रोटी खा लेती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट आई कैन टेक, पनीर खा सकती हूँ, चीज़ खा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कार्ब्स कंट्रोल करने हैं, शुगर नहीं लेनी है, और फ्रूट्स जो हैं फ्रूट्स भी कम से कम ही खाने, क्योंकि उनमें भी नेचुरल शुगर होती है। तो जैसे दिन में बस आधा एप्पल खा लिया, आधा केला खा लिया, सिट्रस फ्रूट ले सकती हूँ बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, बेरीज ले सकती हूँ, आधा संतरा ले लिया इस तरह से। तो वो लाइक स्नैकिंग के लिए हल्का फुल्का। सैलड भर भर के खानी है हर मील में, तीनों मील में खूब सारी सैलड होनी चाहिए। हमस अलाउड कर दिया है, हमस खा सकती हूँ। तो फाइन ऑप्शंस हैं धीरे धीरे, और जब इस चीज़ पर रेगुलर होंगी तो और ऑप्शंस खुलेंगे, तो हो जाएगा होपफुली मैनेज। बट एक स्ट्रिक्ट रूटीन जो है वो फॉलो करना है, दिन में 8 बार मुझे अपना शुगर लेवल टेस्ट करना है। तो डिवाइस है वो प्रिक करके ब्लड निकाल के वो करना होता है। तो 8 बार तो ये, लाइक 2 बार तो मील से पहले और मील के 1 घंटा बाद, जो 3 मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसके अलावा एक सुबह फास्टिंग वाला जो सुबह उठते ही करना होता है, और एक बेड टाइम पे। तो जो बेड टाइम वाला होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, क्योंकि जैसे डिनर के 1 घंटे के बाद टेस्ट करना है, उसके बाद जो बेड टाइम पे टेस्ट करना है उसमें और पहले वाले टेस्ट में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम टेबल बना के, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट डाइट के साथ चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई होप कि चीज़ें हो जाएंगी। लेट्स सी आगे जैसे जैसे हो। तो हम लोग पार्क तक आए हैं एक्चुअली, और आना ही था यहाँ पे। यहाँ पे ना स्कूल की तरफ से ना एक एक्टिविटी हो रही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 हफ्ते हो गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीट द बॉक्सेस। इसमें क्या है, पूरे शफल में इन्होंने बेयर के स्टैचू रखे हुए हैं, भालू के, और बच्चों को एक छोटा सा काइंड ऑफ की रिंग दिया गया है जो उनको टच करके पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। बेसिकली क्या है, आपको वॉक करना है वहाँ तक, स्कूटिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, एंड यू कलेक्ट पॉइंट्स। तो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे एंड वट एवर मनीज, जितनी भी रेज होगी वो सारी चैरिटी में जाएगी। सो रियली गुड वन। तो यहाँ इस पार्क में एक था, तो हम लोग आए हैं अद्विका को की रिंग लेके टैप करके, तो वॉकिंग भी हो जाएगी साथ साथ और उसका भी काम हो जाएगा, और बड़े जो हैं वो भी कर सकते हैं साथ साथ। साहब ने भी एनरोल किया हुआ है, इनको भी वो कार्ड मिला हुआ है। तो फन वे में एक्टिविटी है, साथ साथ मनी रेज हो जाएगी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को जाएगी वो सारी मनी जितनी भी इस प्रोसेस से रेज होगी। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती रहती हैं, जिसमें आप अपनी तरफ से खूब सारे एफर्ट डाल सकते हो विदाउट गिविंग एनी मनी, बट स्टिल दे रेज मनी बाई दैट, सो गुड वन। तो अभी हम लोग थोड़ी बहुत देर वॉक करेंगे यहाँ पे, फिर हमें मॉरिसन से थोड़ा बहुत सामान उठाना है, देन विल गो होम। और जो ट्रेल है ना ये वॉक वाली, अप डाउन और मुझे सांस चढ़ जाती है। आपको क्लिप्स में जो है ना वो लगेगा कि दीपिका को जो है वो सांस चढ़ रही है, बट दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, तब होता है ना थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग और अप डाउन तो चलता रहता है। सो रिवर, दिस इज आई थिंक रिवर डॉन, आई थिंक इट इज जस्ट बीट बॉक्स हियर। आई थॉट यू नो, मुझे लगा कि यहाँ पे भी स्टैचू होगा वो वाला, नहीं यही वाला है। बट देख मतलब कुछ जगह बड़े बड़े बड़ा स्कोर भी लगा हुआ है, होर्डिंग भी, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी ना, उस वाले सामने वाली ट्रेल पे चले, ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा ओके चलो। यकीन नहीं हो रहा मुझे, सच में इतना खाली है,
इतना तो आज सब रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो तो इसीलिए लग रहा है कुछ ज्यादा ही खा ली है. मुझे तो यही लग रहा था कि कहीं यहाँ संडे तो नहीं है, पर नहीं संडे तो है नहीं, बिल्कुल ही खाली पड़ा. और ट्रॉलीज भी पूरी फुल है लोग, सब पब में ट्रॉलीज पूरी फुल है, सब पब में कोई बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, सब एंजॉय कर रहे हैं आज. चलो हम भी चलें, एक दो चीजें उठानी है, हम भी चलें. आ जाओ चलो, आज तो वैसे भी खा लिया तो हम चलते ही चलते. चलो और हम आए थे सिर्फ किया ब्रेड एग्स ये लेने के लिए. एग्स बहुत दिनों बाद खाना शुरू करेंगे बिकॉज डॉक्टर ने मुझे बोला है ऑलमोस्ट 2 साल हो गए होंगे एग नहीं खाया है, तो कोई नहीं तो बाय करने के लिए. बट कपड़ों की सेल लग रही थी और दिन बाद अद्वी की शॉपिंग हो गई इतनी सारी. उठाओ अपना सामान मैडम, उठाओ ये देखो. और हम बैग भी नहीं लेके आए थे, साहब ने ये सामान उठाया. इट्स ओके, लीव द हैंगर. जब मैं उठवा रही हूँ तो अद्वी की हो गई है शॉपिंग, बस अब चलते हैं घर. सो शॉपिंग इज डन. सिर्फ दो तीन सिर्फ 2-3 सामान के लिए हम आए थे. और मैं और इन अगर अंदर बैठे रह जाते ना तो भी ना होता, बट वो दिखाई दे रहे मौसम वाले सेल क्यों लगा इनकी सेल को जो है बंद करना चाहिए. और देखो टाइमिंग देखो मेरी, मैं हमेशा उसी टाइम आऊंगी तब सेल होगी. और बहुत अच्छे अच्छे मिल गए, आगे किसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी. और डिनर बस दाल ऑलरेडी रखी हुई है तो इन लोगों की बस मुझे रोटी सेकनी है. Mine gonna be just salad. Oh my god, I love salad nowadays. I love salad. तो salad जो है वो मेरा पूरा एक meal होता है आजकल. तो मैं सिर्फ salad लेने वाली हूँ. दाल रोटी. हाँ ये दाल रोटी खाएंगे. You having paneer? हाँ थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है. चलो उसका done हो गया. तो चलते हैं 9 o'clock. Yes, बहुत late हो गया. हमने बहुत तगड़ी वाली walk करी है. But सही है, कोई नहीं. बारिश ना था, मेरे आंखों में जलन हो रही है. कोई बात नहीं, आपकी तो है ही पोलन ने हालत बुरी कर दिया कर दी. तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. होप आपको पसंद आई होगी. पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग एंड लेट्स स्टार्ट. ओके वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बाय बाय शोना. बाय बाय बाय.